प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 है। कक्षा पाँचवीं और आठवीं के आज के पोर्टल पर जो है छूटे हुए छात्रों को कैसे ऐड करें। साथियों आज के पोर्टल पर जो है छूटे हुए छात्रों को रजिस्ट्रेशन है, एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। साथियों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के पोर्टल पर जो है छात्रों को रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ है। साथियों तो कुछ कतिपय कारणों से जो है किसी विद्यालय के द्वारा यदि छात्रों को मैप नहीं किया गया है और वह छात्र जो है आज के पोर्टल पर जो है प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, साथियों तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है आज के पोर्टल पर ऐड किया गया है, ऐड स्टूडेंट। साथियों तो छूटे हुए छात्रों को कैसे ऐड करें, तो आइए देखते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके साथियों वीडियो पर हमारे बने रहिएगा और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। ओके साथियों तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रिय साथियों सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करें। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे गूगल के सर्च बार पे हमने टाइप किया RSKMP। टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं राशि शिक्षा केंद्र www.rskmp.in इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे राशि शिक्षा केंद्र का जो है लॉगिन का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड फिल करेंगे। साथियों यूजर आईडी आपका यूनिक आईडी है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके साथियों तो चलिए यहाँ पे जो है अपना यूनिक आईडी पासवर्ड हम फिल करते हैं। ओके साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पे यूनिक आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया है और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया साथियों यहाँ पे राशि शिक्षा केंद्र का पेज ओपन हो चुका है। साथियों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है साथियों। अब यहाँ पे 5 एग्जाम 2023-24 इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन है साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का कार्य करेंगे साथियों। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड स्टूडेंट, अब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नए छात्रों को आप ऐड करेंगे जिसका जो है आप जो है यहाँ पे जो है अर्ज के पोर्टल पे जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऐड करेंगे साथियों। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट डाटा सीन विद शिक्षा पोर्टल। तो सबसे पहले जो है साथियों किसी भी छात्र को वेरिफिकेशन करने से पहले इस ऑप्शन पर डाटा सिंह भी शिक्षा पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले इस ऑप्शन को आप अपडेट करेंगे। ओके साथियों और अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट ट्रैकर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस। ओके साथियों सारे डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टूडेंट डाटा सिंह विद शिक्षा पोर्टल, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ओके साथियों अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है स्कूल का डैश कोड आप फिल करेंगे, इसके बाद क्लास चूज करेंगे। ओके साथियों तो यहाँ पे चलिए हम स्कूल का डैश कोड फिल कर लेते हैं साथियों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अब यहाँ पे स्कूल का डैश कोड जो है हम फिल करेंगे। हमने यहाँ पे स्कूल का डैश कोड फिल कर दिया है, इसके बाद क्लास चूज करेंगे 5 क्लास। ओके साथियों अब यहाँ पे स्कूल डिटेल इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट डाटा अपडेट सक्सेसफुल का ऊपर यहाँ पे मैसेज आ चुका है। ओके साथियों अब इसको हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट डाटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल पर डाटा जो है अपडेट हो चुका है साथियों। अब इसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे साथियों। अब क्लिक करने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 यहाँ पे ओपन है साथियों। अब यहाँ पे स्कूल का डैश कोड ओपन, स्कूल का डैश कोड है और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास 5 और 8। ओके साथियों अब यहाँ पे क्लास 5 हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद शो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ओके साथियों जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे दो छात्रों का नाम यहाँ पे जो है अभी जो है लिखे जो है यहाँ पे जो है डाटा सिंक करने पे जो है यहाँ पे दो छात्रों का नाम यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है साथियों। और यहाँ पे जो है जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी यहाँ पे 8 स्टूडेंट का नाम जो है प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो दो छात्र हैं ये छात्र जो है इस विद्यालय के नहीं हैं, किसी अन्य विद्यालय के हैं साथियों। और इस विद्यालय के जो दो छात्र हैं उन्हें अभी इस ऑप्शन पे ऐड करना है। ओके साथियों तो अब चलते हैं हम जो है फिर से जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे हम अब क्लिक करेंगे। ओके साथियों अब किस तरह जो है छात्र को ऐड करना है, अब यहाँ पे विद्यालय का यू डैश कोड आ चुका है और यहाँ पे समग्र आईडी, अब उस छात्र का समग्र आईडी हम फिल करेंगे जिस छात्र को ऐड करना है। ओके साथियों जैसा कि आप सभी देख पा रहे साथियों यहाँ पे जो है छात्र की समग्र आईडी जो यहाँ पे फिल कर दिया गया है, इसके बाद जो है शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ऐड, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके साथियों अब यहाँ पे स्कूल का डैश कोड आ चुका है, समग्र आईडी छात्र का और यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम आ चुका है
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे सेलेक्ट क्लास। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्लास छात्र का जो है क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा साथियों। इसके बाद यहाँ पे जो है फादर का नेम आ चुका है और मदर नेम, सेलेक्ट कैटेगरी, ओके साथियों। सारे डिटेल जो है यहाँ पे अब यहाँ पे फिल करना होगा, ओके साथियों। अब छात्र का यहाँ पे डिटेल हम भर रहे हैं साथियों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे जो है हमने जो है यहाँ पे छात्र का जो है नाम और छात्र का डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्लास 8 और 5 था, हम यहाँ पे 5 चूज़ कर दिया है। इसके बाद जो है कैटेगरी CWS है, और यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पे छात्र का जेंडर, इसके बाद मीडियम, और यहाँ पे छात्र का फादर्स नेम और मदर नेम, ओके साथियों। सारे डिटेल हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। इसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके साथियों। अब यहाँ पे मैसेज आ गया है, मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ओके साथियों। इसके बाद वेरीफाइड यस, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पे छात्र जो है एड हो चुका है, स्टूडेंट डिटेल एडेड सक्सेसफुली, ओके साथियों। अब ये छात्र जो है आपके पोर्टल पर जो है एड हो चुका है, ओके साथियों। अब इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन आप फिर से करेंगे साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं फिर से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पर हम फिर से क्लिक करेंगे साथियों। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे सेलेक्ट क्लास 5 और 8, हमने 5 क्लास चूज किया। इसके बाद शो वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, ओके साथियों। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं जिस छात्र को हमने ऐड किया है उसका नाम यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है, ओके साथियों। यहाँ पे देखिए उस छात्र का नाम यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसे जो है वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफिकेशन, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ओके साथियों। अब क्लिक करने के बाद फिर से जो है छात्र का जो है डिटेल एक बार चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, अब यहाँ प्रेस पंजी क्रमांक यहाँ पे फिल करना पड़ेगा साथियों, और CWS नो, कैटेगरी और फीमेल, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम और प्रेजेंट मोबाइल नंबर, मीडियम। अब इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी भाषा सेट किया। अब इसके बाद जो है एडिशनल लैंग्वेज, भाषा का चयन नहीं, ओके साथियों। अब यहाँ पे प्रवेश पंजी क्रमांक छात्र का फिल करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक फिल करेंगे। छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक हमने यहाँ पे फिल किया, जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी। अब इसके बाद जो है एक बार फिर से आप चेक कर लें सारे डिटेल जो है यहाँ पे। सबसे पहला दिया है UDAS कोड, समग्र ID, स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, प्रवेश पंजी क्रमांक, CWSN, फीमेल, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रेजेंट मोबाइल नंबर, मीडियम, लास्ट फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी, थर्ड एडिशनल लैंग्वेज, भाषा का चयन नहीं, सब्जेक्ट गणित, सब्जेक्ट पर्यावरण, ओके साथियों। अब इसके बाद वेरीफाइड, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। फिर से सत्यापन का यहाँ पे मैसेज आया है, मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। फिर से आप वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ओके साथियों। अब यहाँ पे वेरीफाइड का मैसेज आ गया है, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके साथियों। तो इस तरह जो है आप एसके पोर्टल पर जो है छात्रों को ऐड करके वेरीफिकेशन का कार्य कर सकते हैं, ओके साथियों। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।